Hello student, welcome to the sixth lecture of carbon family, that is group number 14. We are in a chapter of p-block elements, and in this lecture we are going to talk about very important part of the chapter, that is group number 14 is your silicates. Now basically silicates jo hote hain bahut sare types ke hote hain. Hum log is lecture mein sirf silicates hi discuss karenge. So the lecture number 6 is going to be the last lecture for group number 14, that is carbon family. In this lecture detail mein hum log silicates pura ka pura cover karenge. What are the different types of silicates? So basically this lecture will be entirely for only silicates. Now if we talk about the previous lecture, that is lecture number 5, we have completed all the different compounds of silicon. Sabse pehle hum log ne silicon carbide padha tha students, agar aap revise karte ho to, jisko carborundum bhi bolte, it is very hard. Uske baad mein silicon tetrachloride humne SiCl4 padha tha, aur uske baad mein silicones padha tha. Usme maine aapko silicones ke different types of preparations bataye the aur properties aur uses humne discuss kiye the students. So this is the last lecture for group number 14. इसमें हम लोग सिलिकेट्स पूरा कवर करते हैं. तो बेसिकली सिलिकेट्स होते क्या है उसके बारे में पूरा हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. थोड़ा बड़ा रहेगा ये लेक्चर, बट इसमें हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. सिलिकेट्स जो है द बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो होता है किसी भी सिलिकेट का, बेसिक रिपीटिंग यूनिट any silicate is generally SiO4 4-, correct? SiO4 4-, जिसमें सिलिकॉन एटम जो होता है इट इज sp3 hybridized. इफ इट इज sp3 hybridized, then we can say that it has a dash shape, tetrahedral shape. इसका जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, राइट. सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 2D और 3D बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 3D स्ट्रक्चर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, यू कैन से सेंट्रल एटम जो है वो सिलिकॉन है और ये चार जो है ऑक्सीजन है, ठीक है ना. ये है आपका टेट्राहेड्रल शेप, राइट. इसको आप कौन सा शेप बोलते हो, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हो. नाउ सेंटर में जो सिलिकॉन है ये सब ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस का चार्ज है, देखो SiO4-, राइट. तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज दिखाऊं तो यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा, O के ऊपर माइनस चार्ज, टेट्राहेड्रल शेप है तो हर ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. टेट्राहेड्रल शेप में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पे O4- है बच्चों, तो हर ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस का चार्ज है. सो दिस इज बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप एंड दिस इज 3D रिप्रेजेंटेशन. ये 2D रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है. बट आगे हम लोग जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमको बार बार इस यूनिट की जरूरत पड़ेगी और ऐसे यूनिट बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना. तो हम लोग बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक 2D रिप्रेजेंटेशन में करते हैं. तो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है, सिंपल वे जो होगा वो हम लोग इसका यूज करेंगे, सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो इसका सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो ध्यान से देखना. इसका सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज आल्सो इन 2D, ठीक है. 2D फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों. अगर आप इस वाले ऑक्सीजन को हटा देते हो तो क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है. यहाँ पे सेंटर में कौन है, सिलिकॉन है, और ये तीन क्या है, ऑक्सीजन है. तो मैं इसी को यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा. सेंटर में आपका सिलिकॉन है और तीन यहाँ पे क्या आएंगे, ऑक्सीजन एटम आएंगे. सो ये ऑक्सीजन, ठीक है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये देखो इधर कोई बॉन्ड नहीं है पर मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया. ये ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है पर मैंने बॉन्ड बनाया है. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है. अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर में कौन है, यहाँ पे सिलिकॉन है. तो यहाँ पे मैं येलो कलर के चौक से एक छोटा सा खाली पॉइंट बना दो, वो आपका सिलिकॉन है, राइट. अगर मैं अभी यहाँ पे इसको प्लेन में बनाऊ ऐसे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, राइट. यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन है, ये सिलिकॉन है येलो कलर के चौक से, ये तीन ऑक्सीजन मैंने बना दिए, राइट. अभी तीनों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस का चार्ज होगा, करेक्ट. अभी जो फोर्थ ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में कैसे है, इस सिलिकॉन को कवर कर रहा है. ये देख लो जो फोर्थ ऑक्सीजन है बच्चों, ध्यान से देखना, वो किसको कवर कर रहा है, सिलिकॉन को कवर कर रहा है. इस सिलिकॉन को फोर्थ वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. तो जो फोर्थ वाला ऑक्सीजन होगा वो मैं सिलिकॉन के ऊपर सर्कल बना रहा हूँ, देख लो ध्यान से, इस सिलिकॉन के ऊपर ही सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है बेटा, हाइड कर रहा है. तो ये वाला जो ऑक्सीजन है मैंने फोर्थ वाला इसके ऊपर बना दिया, करेक्ट.
सो बेसिकली ये जो सिलिकॉन है वो इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, 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 बट दिस इज 2D रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स। याद रखना यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं है, याद रखना दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ऑल राइट, हैव नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, रिमेंबर दिस, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वापस एक बार बता दो। यहाँ पे समझो एक ट्राइंगल है, करेक्ट, ट्राइंगल कहाँ से आया, ये रहा ट्राइंगल, राइट। इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि बार बार ये रिपीट होने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। यहाँ पे सेंटर में कौन है, मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डाल रहा हूँ, ये सिलिकॉन है और इस सिलिकॉन के जस्ट ऊपर ही क्या आ रहा है आपका, ये ऑक्सीजन आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और फिर बाद में ऐसे खाली डायग्राम बना देंगे, और हर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा। सो दिस इज बेसिकली SiO4 फोर माइनस यूनिट, SiO4 फोर माइनस यूनिट है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि हर ये जो येलो वाला जो पॉइंट है, मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, येलो वाला जो पॉइंट है वो कौन है, वो आपका सिलिकॉन है, और ये जो सर्कल है वो क्या ना है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे ऐसे ढूंढते नहीं रहने चाहिए कि सर फोर्थ ऑक्सीजन कहाँ है, तो फोर्थ ऑक्सीजन ये है और सिलिकॉन ये येलो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको वापस समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर ही आगे देखना बच्चों, पहले बोल देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अभी मैं आगे सिखाना चालू कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी पार्ट में डिफिकल्टी है तो वापस इसको देख लो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, टाइप्स ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, जो सबसे पहला सिलिकेट होता है वो होता है ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट्स, ऑर्थो सिलिकेट। अगर हम लोग बात करें ऑर्थो सिलिकेट की, सो दे कंटेन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ, इसमें सिंगल यूनिट्स होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ, सिंगल सिंगल यूनिट्स ऑफ SiO4 फोर माइनस यूनिट्स, SiO4 फोर माइनस वाले पार्ट। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, सो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 फोर माइनस यूनिट is not shared with any other oxygen atom, किसी भी oxygen atom के साथ shared नहीं होता है। ठीक है ना, चलो तो अगर basically इनकी बात करें तो इनका जो structure होगा वो simply कैसे होगा, एक triangle बना दिया हमने, correct, यहाँ पे oxygen होगा, यहाँ पे भी oxygen होगा, यहाँ पे भी oxygen है, सेंटर में ऑक्सीजन है, और इसके यहाँ पे हम लोग बता रहे क्या, ये आपका सिलिकॉन है बच्चों। तो ये आपका यूनिट हो गया किसका, ऑर्थो सिलिकेट का। अभी यहाँ पे हर ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस का चार्ज होगा, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई तो कटायन होगा, तो ये कौन सा यूनिट है, SiO4 फोर माइनस यूनिट है बच्चों। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर वन जरकोन, जरकोन इज नथिंग बट जरकोनियम आएगा यहाँ पे, ZrSiO4, ठीक है ना, ZrSiO4, जर्कोनियम इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आपको अगर कभी पूछ ले एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थो सिलिकेट, तो जर्कोनियम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, विलेमाइट, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सिखाया था, Zn2SiO4, ठीक है ना। कभी ऐसे पूछ ले इन जर्कोन The oxidation number of zirconium is, तो zirconium is going to be definitely, ये -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, +4 है, ये इधर वाला part -4 है, तो इन दोनों का मिला के +4 है, तो हर एक का कितना हो जाएगा, +2, और वैसे भी मैंने DNA block में सिखाया है, zinc जो है वो +2 के अलावा कोई भी oxidation state नहीं दिखाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका ऑर्थो सिलिकेट्स। बहुत सारे सिलिकेट्स है, आराम से सुनिएगा वीडियो को, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा, मैं थोड़ा स्लो ही रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है पायरो सिलिकेट्स। पायरो नाम से ही पता चल गया बच्चों, दो सिलिकेट यूनिट्स क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, दो SiO4 फोर माइनस यूनिट्स क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। सो इफ टू SiO4 फोर माइनस यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर,
आर जॉइंट टूगेदर बाय वन ऑक्सीजन एटम, आर जॉइंट टूगेदर बाय वन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, द सिलिकेट विल बी नोन एज, द सिलिकेट इज नोन एज पायरोसिलिकेट. ऐसे सिलिकेट्स को क्या बोलेंगे? पायरोसिलिकेट बोलेंगे. नाउ इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. इनका जो यूनिट होगा, जैसे यहाँ पे यूनिट क्या था, SiO4 4 माइनस, तो यहाँ पे जो जनरल यूनिट होगा वो होगा Si 2 हो जाएंगे. चलो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं. SiO4 4 माइनस है, राइट? तो इसके अगर मैं दो यूनिट्स को ज्वाइन करूँ और एक ऑक्सीजन कॉमन ले लूँ, तो एक ऑक्सीजन कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बच्चों कितने हो जाएंगे? सात ही ऑक्सीजन हो जाएंगे. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जर्मन फॉर्मूला ऑफ द अनायन, वो क्या होगा? अनायन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा Si2. Si2 क्यों? क्योंकि दो Si है और एक ऑक्सीजन कॉमन है, तो यहाँ पे 8 मत लिख देना. यहाँ पे Si2O क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना? चार्ज कितना होना चाहिए? यहाँ पे 4 माइनस था तो माइनस 8 होना चाहिए. माइनस 8 नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन कॉमन आ गया. एक ऑक्सीजन कॉमन आ गया तो एक इधर से भी माइनस और उधर से भी माइनस, दो ऑक्सीजन का, तो माइनस वो वाला चार्ज कम हो जाएगा. तो ये माइनस 6 हो जाएगा. माइनस 6 हाँ बच्चों, याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 6 नॉट माइनस 8. अगर आपको नहीं समझा है तो मैं अभी आपको इसको डायग्राम में बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसका अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल लेते हो तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल है हॉर्थ विटाइट, ठीक है ना? आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये नाम याद रखोगे, बट अगर आप एडवांस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नीट और जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं, खाली ये यूनिट याद रख लो. और अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हो तो आई वुड रिकमेंड कि बार बच्चों आप ये नाम भी याद रखिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत बार मैथ के फॉलोइंग में आपको थॉर्थ विटाइट पूछ लेंगे, बट अगर आपको नाम याद से उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला भी क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल जो है थॉर्थ विटाइट, इसका फॉर्मूला जो है वो है स्कैंडियम ट्वाइस Si2O7. स्कैंडियम ट्वाइस Si2O7 क्यों? क्योंकि स्कैंडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 में, तो प्लस 3 है तो दो स्कैंडियम का प्लस 6 हो जाएगा स्टूडेंट. सो ये हो गया आपका पायरोसिलिकेट. अभी इसका स्ट्रक्चर मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना. ऐसे दो यूनिट्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और एक कॉमन ऑक्सीजन आइटम होना चाहिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखना ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपका सिलिकेट वाला ऑर्थो सिलिकेट वाला पार्ट पहले बना देता हूँ. इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस है, ये ऑक्सीजन है, देखना ध्यान से आप. और यहां पे सेंटर में क्या है? आपका सिलिकॉन एटम है, करेक्ट? इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस है. अभी हर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ऐसे कितने ऑक्सीजन? टोटल 4 है. बट पायरोसिलिकेट में बच्चों एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया, तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला नेक्स्ट वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है. और अगर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है. तो दो बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कोई होगा ही नहीं ना बच्चों. अगर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो, तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. नाउ इसके अंदर वापस यहाँ पे कौन है? ये आपका सिलिकॉन एटम है. इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, गिनो मेरे साथ कितने सिलिकॉन है. दो डॉट्स है तो दो सिलिकॉन हो गया. ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए. माइनस चार्ज गिनो, इसके ऊपर देखो माइनस 3 है यहाँ पे और इसके ऊपर भी माइनस 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? पायरोसिलिकेट, जिसमें दो SiO4 माइनस यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे. और यहाँ पे साइड में क्या होगा? स्कैंडियम के प्लस 3 वाले दो दो आयंस हो जाएंगे, ठीक है ना? आयनिक बॉन्ड जैसा हो जाएगा. ये साइड में रहेंगे, ये सब बॉन्ड्स नहीं दिखाएंगे, आप खाली चार्जेस दिखाओगे, ठीक है ना? अगर इसको आप इस फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ठीक है, आगे जाके मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ऐसे स्ट्रक्चर्स ही मैं बनाऊंगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं नहीं बनाऊंगा. यहाँ पे तो क्या दो ही ज्वाइन हो रहे थे तो बनाना इजी है. तो आपको मैं इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ. ये वाला कि सिलिकॉन है, ध्यान देना, ओ माइनस है, यहाँ पे भी ओ माइनस है, यहाँ पे भी ओ माइनस है, ठीक है? यहाँ पे एक सिलिकॉन का एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है यहाँ पे, और ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये शेयर्ड पार्ट में गया. तो ये अगर दो बॉन्ड बना रहे तो उसके ऊपर चार्ज आएगा ही नहीं. सो ये देखो दो सिलिकॉन एटम्स हो गए, उसके बाद में तीन ऑक्सीजन यहाँ पे, तीन ऑक्सीजन यहाँ पे, छह और ये सातवां कॉमन है.
उसके बाद में तीन यहाँ पे माइनस है, तीन यहाँ पे माइनस है, तो टोटल -6 हो जाएगा। ये देखो -6, तो डेफिनेटली +6 भी होना चाहिए जो स्कैंडियम क्या कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये कौन सा ऑक्सीजन एटम है, कॉमन ऑक्सीजन एटम है। और इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी SI SI बॉन्ड्स। अगर SI SI बॉन्ड की बात करेंगे तो एक भी नहीं है, देख लो SI SI बॉन्ड थोड़ी है, SI O SI लिंकेज है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे हाउ मेनी SI SI बॉन्ड्स आर देयर इन पायरोसिलिकेट्स और थॉर्थ्रीडाइट, ठीक है ना, अगर वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन बना रहा है तो। बट आपको याद रखना इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला मैंने अच्छे से बता दिया। सो ये हो गया आपका ऑर्थ्रोसिलिकेट्स एंड पायरोसिलिकेट्स। अभी हम लोग साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर चेन सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर 2D सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे और 3D सिलिकेट्स। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट मैं एक एक चीज कवर करूंगा। स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर्स भले ही रहेंगे तो, बट मैं एक भी चीज मिस नहीं करूंगा, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द सेकेंड जो हम लोग ने कंप्लीट किया था पायरोसिलिकेट, उसके बाद थर्ड वाला आता है साइक्लिक सिलिकेट। द साइक्लिक सिलिकेट्स क्या होते हैं, वो रिंग के फॉर्म में हो जाएंगे, राइट। अभी वो कैसे होते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है ना, मेरे पास में ये सिलिकेट है, ध्यान दो, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो, यहाँ पे मेरे पास अगर एक सिलिकेट है ये वाला, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसके एक ऑक्सीजन को शेयर करवाऊ तो वो तो पायरोसिलिकेट हो जाएगा, कोई भी ऑक्सीजन को शेयर नहीं करवाओ तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्थ्रोसिलिकेट हो जाएगा। और अगर दो ऑक्सीजन को शेयर करवाओ, कितने ऑक्सीजन को बच्चों, दो ऑक्सीजन को शेयर करवाओ और उससे रिंग बन जाए, क्या बन जाए, रिंग बन जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक सिलिकेट। सो देखो ना, इफ टू कॉर्नर ऑक्सीजन आइटम, समझो मैं ये दो कॉर्नर आइटम ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अच्छे से सुनो। इफ टू कॉर्नर ऑक्सीजन आइटम्स आर शेयर टूगेदर टू फॉर्म अ क्लोज साइक्लिक रिंग, अगर मैं इसको बाजू वाले के साथ शेयर करवा दूं, ऐसे देखना ध्यान से, ये बाजू वाले के साथ इसको शेयर करवा दिया, राइट, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम, ये वाला सिलिकॉन, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, राइट, ओके। तो ये वाला तो शेयर हो गया, इसके ऊपर तो कोई चार्ज होगा नहीं, ठीक है ना, इसके ऊपर तो चार्ज होगा, ये वाला एक मैंने शेयर कर दिया, ये वाला देखना ध्यान से देखना, ये वाला ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया, तो ये शेयर्ड ऑक्सीजन हो गया। बट आपने क्या बोला है, टू कॉर्नर ऑक्सीजन आइटम, इसको भी शेयर कर लेते हैं, चलो अगर मैं इसको भी शेयर कर लूं तो डेफिनेटली इसका तो एक ही हुआ, इसका भी एक और होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला शेयर हो रहा है, देखो। तो यहां पे शेयरिंग के बाद यहां पे एक ऑक्सीजन आइटम, यहां पे भी एक ऑक्सीजन आइटम होगा, राइट, और यहां पे सेंटर में आपका हो जाएगा सिलिकॉन आइटम, करेक्ट। तो कैन वी से दैट ये वाले जो तीन ऑक्सीजन है, एक दो, ये दूसरा और ये तीसरा, इस वाले पार्ट के लिए दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, इस वाले पार्ट के लिए भी दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, इस वाले पार्ट के लिए भी दो ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है। तो डेफिनेटली बच्चों हर रिंग के कितने कितने ऑक्सीजन शेयर हो गए, दो दो ऑक्सीजन शेयर हो गए, और जो शेयर्ड वाला ऑक्सीजन रहेगा उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे शेयरिंग से क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, इफ टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम, ये दो कॉर्नर ऑक्सीजन एटम इसके लिए, ये दो कॉर्नर एटम इसके लिए, ये दो कॉर्नर ऑक्सीजन एटम इस सिलिकेट वाले पार्ट के लिए, टुगेदर आर शेयर टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज साइक्लिक रिंग, इंपॉर्टेंट, क्लोज साइक्लिक रिंग विद द जनरल फॉर्मूला SiO3, ये आपको याद ही रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है, SiO3 एंड 2N-, राइट, देन द सिलिकेट कंटेनिंग दीस अनायंस आर कॉल्ड एज साइक्लिक सिलिकेट्स, इसमें साइक्लिक सिलिकेट हो गए। और अगर आप हर टेट्राहेड्रॉन की बात करो तो कितने ऑक्सीजन शेयर है, दो है, सो टू ऑक्सीजन एटम, टू ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन, पर टेट्राहेड्रॉन, हर टेट्राहेड्रॉन में कितने ऑक्सीजन शेयर है, दो है। इसमें बच्चों आप बताओ कि अगर आपको साइक्लिक बनाना है तो साइक्लिक बनाने के लिए मिनिमम इतने कितने सिलिकेट्स होने चाहिए, तीन होने चाहिए, तो एन का वैल्यू जो है या तो ग्रेटर देन होगा थ्री से, या इट इज मिनिमम इक्वल टू थ्री होना चाहिए। जैसे मैंने अगर फर्स्ट वाला लिया
एग्जाम्पल ठीक है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन का वैल्यू 3 वाला और एक एन का वैल्यू 6 वाला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ एन का वैल्यू अगर मैंने 3 ले लिया तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखना जिनको अच्छे से समझ है, देखो एन का वैल्यू 3 ले लो तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा -6, बट अगर यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पे Si3 हो जाएगा, Si कितना हो जाएगा बेटा 3, O कितना हो जाएगा, इधर 3 और इधर भी 3 लिख रहा हूँ, तो 3 3 9, तो Si3O9, यहाँ पे एन की जगह पे 3 पुट करो, 3 2 6, तो ये वाला जो है वो यूनिट हो जाएगा इसका, तो ये एक यूनिट हो गया। बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में जनरली ये जो सिलिकेट्स वाला पार्ट मैं सिखा रहा हूँ, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आता है, आता है बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, खाली इंट्रोडक्शन दिया पायरो सिलिकेट ऑर्थो सिलिकेट, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, बट मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ये बात हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना है ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है बेटा। जब आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, आपको अच्छा सीट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा, ये जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया होगा या घर पे जो एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया होगा वो आपको फिर बाद में उसका फ्रूट्स मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये बात याद रखिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक यूनिट और साइक्लिक सिलिकेट, तो आपको डेफिनेटली ये वाला याद आना चाहिए। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दू आपको, तो वोलास्टोनाइट, ये नाम बहुत ही अजीबोगरीब है मुझे भी पता है, बट आपको कोई ऑप्शन नहीं, याद रखना ही पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है Ca3Si3O9, ठीक है ना, Ca3 क्यों, एक कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो डेफिनेटली -+6 हो जाएगा, ये दोनों तीनों मिला के ये +6 है, तो ये कितना है -6 है बच्चों। तो अगर आप जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर द नेम्स ऑल्सो, ठीक है ना, एग्जाम्पल फॉर्मूला तो याद ही रखना है, बट नीट जेईई मेंस वाले स्टूडेंट्स इतना भी याद कर लेंगे तो काफी है हमारे लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या 3 सिलिकॉन है, ये वाला मत देखो, ये वाला देखो क्योंकि कैल्शियम 3 इसमें लिखेंगे, 6 देखो, 1 2 3 4 5 6, -6 का चार्ज दिख रहा है, सिलिकॉन गिनो ये डॉट वाले 1 2 3, ठीक है ना, दिस इज नॉट सिलिकॉन, ये मैंने शेड किया है ताकि वो शेयरिंग वाला ऑक्सीजन आपको पता चले, तो गिनो मेरे साथ सिलिकॉन तो गिन लिया, ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट हैविंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 3। अगर मैं एन का वैल्यू 6 ले लूं बच्चों, एन का वैल्यू कितना ले लूं 6 ले लूं, तो टेल मी द फॉर्मूला, एन का वैल्यू यहाँ पे 6 रखो तो ये हो जाएगा आपका Si6, करेक्ट ना, 6 लिया ना एन का वैल्यू, और ये 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डरो मत, इजी है, आप खुद से पढ़ने बैठोगे कुछ समझेगा नहीं, ये बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, अगर एन का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे -12 का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये -12 का चार्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसका भी स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूँ, इसमें टोटल कितने होंगे, ऐसे 6 होंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे 6, कैसे होंगे वो भी बताता हूँ मैं, ध्यान देना अगर मेरे पास में समझो ये स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, ये देखो बनाना भी सीखो कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ऐसे बनाया आपने, ठीक है स्टार बनाएंगे अभी अच्छा वाला, ये देखो थोड़ा सा छोटा बना के, इसके बाद वाले बोर्ड पे तो और अच्छे स्ट्रक्चर आएंगे बच्चों, ठीक है ना। इसमें कैसा होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है सब जगह पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये मैं जनरली बोर्ड पे डायरेक्ट ड्रॉ करके फिर आपको दिखा भी सकता था, बट मैं आपके सामने ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इसको याद भी कैसे रखना है और इसको ड्रॉ भी कैसे करना है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा, ये सब शेयर्ड वाले ऑक्सीजन है, करेक्ट ना, जितने भी ये वाले सेंटर वाले हैं उन सब जगहों में एक एक सिलिकॉन डाल दिया हमने, ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। शेयर वाले ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज मत डालना गलती से भी, क्योंकि उसने दो दो बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन,
ठीक है ना अभी। तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट का नेक्स्ट एग्जांपल, ये माइनस माइनस सब जगह पे हो जाएगा। ठीक है ना, गिनो मेरे साथ में कितने सिलिकॉन एटम्स है, गिनो। टोटल छह होने चाहिए, छह है, मैंने छह डॉट्स डाल दिए इसमें, छह हो गए। ऑक्सीजन गिनो मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, ठीक है ना, 18 हो गया। माइनस चार्ज गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया बच्चों। देखो हर एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको डिटेल में, आपको खाली इनको नोट्स में अच्छे से लिखना है कॉपी करने के टाइम में, और हर एक चीज को याद रखना है। सर इसका भी कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल बच्चों याद रखना, बेरिल, ठीक है ना, इट इज Be3Al2Si6O18, ठीक है ना। बेरिलियम का चार्ज सबको पता है, बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप टू, तो ये हो जाएगा आपका प्लस सिक्स हो जाएगा, क्योंकि तीन है, हर बेरिलियम के लिए प्लस टू है, तो तीन बेरिलियम के लिए प्लस सिक्स हो जाएगा। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है प्लस थ्री, सो दो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा प्लस सिक्स, तो प्लस ट्वेल्व हो गया। अगर ये प्लस ट्वेल्व है तो ये कितना होना चाहिए माइनस ट्वेल्व। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। तो साइक्लिक सिलिकेट हम लोग ने अच्छे से कवर कर लिया, अभी हम लोग इसके बाद जो आएगा वो होगा चेन सिलिकेट। तो बेटा इसमें एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ याद रखना, मैं एडवांस के हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ याद रखना एन वैल्यू थ्री एंड एन वैल्यू सिक्स को कंसिडर करना है। अभी हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे चेन सिलिकेट्स। तो याद रखना इसमें ऑक्सीजन कितने शेड है, दो ही है। अगर आप ये भी सेम यहाँ पे भी दिखाना चाहते हो तो हर एक के सिर्फ दो दो ऑक्सीजन ही शेड होंगे, देख लो इसके दो ऑक्सीजन शेड, इसके भी दो ऑक्सीजन शेड। ये वापस बोल रहा है ये सिलिकॉन नहीं है, ये ऑक्सीजन एटम जो शेड है, तो आप भी दो कलर पेन्स यूज करके इसको और अच्छा बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका साइक्लिक सिलिकेट्स वाला पार्ट, आई होप समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेन सिलिकेट्स, इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो द फोर्थ वन इज चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑर्थो सिलिकेट्स हो गया, पायरो सिलिकेट्स हो गया, एंड साइक्लिक सिलिकेट्स हो गया। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे पूछोगे तो मैं साइक्लिक सिलिकेट्स को बोलूंगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट सिलिकेट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वन इज चेन सिलिकेट। अभी चेन सिलिकेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल चेन सिलिकेट्स और एक होता है डबल चेन सिलिकेट्स। तो अभी मैं एक एक करके कवर करूंगा, बिकॉज मैं साथ में डायग्राम्स भी बना के बताना मुझे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल चेन सिलिकेट। अभी सिंगल चेन सिलिकेट्स में क्या होगा वो देखिए, अगर मेरे पास में एक यूनिट है ऐसा, ये आपका कौन सा यूनिट है, सिलिकेट यूनिट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम सेंटर में ऑक्सीजन एटम है, और साथ में ये वाला आपका सिलिकॉन एटम, यहां पे ये एक आपका पार्ट हो गया सिलिकेट का, राइट। अभी इसके दो ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट होंगे चेन फॉर्म में, जैसे अभी ये देखो यहां पे भी माइनस है, तो ये बाजू वाले के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, ये डायरेक्टली समझेगा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये वाला नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन होगा इन दिस फॉर्म, अच्छे से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसे ज्वाइन होते जाएगा, तो ये वाला दूसरा था, ये ऑक्सीजन, यहां पे एक और ऑक्सीजन, इसके सेंटर में वापस से क्या है आपका, ये सिलिकॉन एटम है, करेक्ट। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस। तो आप बताओ इसके कितने पार्ट जुड़ गए, एक ये दो, दो ऑक्सीजन एटम क्या हो गए कॉर्नर वाले ज्वाइन हो रहे और चेन बन रहा है। पिछले वाले में क्या बन रहा था, रिंग बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा चेन बनते जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला जो होगा समझो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठ रहा है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे ये ऐसे चेन बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक के सिर्फ दो दो एटम्स ही क्या हो रहे हैं ज्वाइन हो रहे हैं और चेन बन रहे हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये एक और ये दूसरा, इसकी बात करें तो ये एक और ये, इसमें भी ये सब चेन है, मतलब कंटिन्यूअस चेन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ये वाला फिर नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन हो जाएगा ऐसे,
तो ये प्रोसेस चलते ही रहेगा, लास्ट वाला जो रहेगा फिर उसके ऊपर माइनस होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसा और डैश दिखा रहा हूँ, मतलब ये और भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन के फॉर्म में हो गया। ऐसे वाले सिलिकेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन सिलिकेट्स बोलेंगे। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस, और ये कंटिन्यूअसली होता है। अभी इनका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इन दीज सिलिकेट्स टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर शेयर्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था, प्रीवियस वाले में रिंग बन रहा था, यहाँ पे लॉन्ग चेन बनेगा, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। लॉन्ग चेन टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला सेम जो उधर था वही रहेगा। इनका कॉमन नेम जो है बच्चों वो क्या है, पाइरोक्सिन है। क्या नाम है इनका कॉमन नेम, पाइरोक्सिन है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे बेस्ट एग्जांपल फर्स्ट वाला जो है वो किसका एग्जांपल है, सिंगल चेन सिलिकेट्स का। सिंगल चेन सिलिकेट्स में हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पोडुमेन। अब ये स्पोडुमेन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। स्पोडुमेन जो है इसका फॉर्मूला है LiAlSiO3, LiAlSiO3। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो N का वैल्यू कितना है, O3 ट्वाइस कर देते हैं। चलो N का वैल्यू, मैंने मुझे कैसे पता चला N का वैल्यू 2 है, मैं बताता हूँ ऐसे, देखना ध्यान से। अगर मैं Li की बात करूँ तो Li प्लस 1 है और यहाँ पे Al जो है वो प्लस 3 है, तो टोटल कितने का चार्ज हो गया, माइनस 4 का। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी माइनस 4 का चार्ज होना चाहिए। एक के ऊपर अगर n का वैल्यू 2 ले लूं, n का वैल्यू अगर 2 ले लेता हूं, ठीक है ना, तो n का वैल्यू 2 लेने से ये क्या हो जाएगा, SiO3 यहां पे 2 और यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज स्पोडुमेन। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया जो कि आपको क्या रखना है, याद रखना है, और यही इसका एग्जांपल। तो ये सिंगल चेन सिलिकेट हो गया। मैं एक एक करके बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट बच्चों फिर इसमें क्या होगा, इसमें अभी डबल चेन भी आएगा तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बार बार ड्रॉ ना करना पड़े, ये एक ड्रॉ किया, अभी इसके नीचे एक ड्रॉ करना है। तो वो आप लोग एक बार फोटो ले लो, फिर मैं इसके आगे वाला बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज डबल चेन सिलिकेट। ना डबल चेन सिलिकेट जो होता है वो कैसे बनता है, इस वजह से मैंने इसको इरेज नहीं किया। ये देखो, एक चेन तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, सिंगल चेन। अभी इस चेन थ्योरी बाद में रीड करेंगे, पहले समझो तो ऑटोमेटिकली थ्योरी समझ जाएगा। इस चेन को इसके ही एक ऐसे चेन के साथ ज्वाइन कर दो, एक एक ऑक्सीजन एटम कॉमन लगा के। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये तो चेन था ही आपका सिंगल चेन वाला। अभी यहाँ पे समझो एक चेन ऐसा और है, और एक चेन है, और इस ऑक्सीजन एटम को कॉमन बना दो, इस ऑक्सीजन एटम को भी कॉमन बना दो। कैसे, अगर कॉमन आ जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन आते ही उसका चार्ज हट जाएगा। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा बना देते हैं, ध्यान देना। ये देखो, अभी ध्यान देना, यहां पे ये एक ऑक्सीजन एटम, ये भी एक ऑक्सीजन एटम, और ये वाला ऑक्सीजन तो है ही है, ये आपका सिलिकॉन, इसका चार्ज अभी हट गया ऐसे, इसके ऊपर तो चार्ज अभी भी रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो नीचे भी कैसे होगा, करेक्ट, यहाँ पे कौन होगा, ऑक्सीजन एटम जो दूसरे चेन से, जैसे ये जुड़ा हुआ है ये भी जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये वाला भी ऑक्सीजन। तो बेसिकली कितना हो गया, दो चेन हो गया, ये एक चेन था, ये दूसरा चेन था, यहाँ पे आपका कौन सा एटम है, सिलिकॉन एटम है। इस ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली चार्ज रहेगा, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन इसके ऊपर तो चार्ज रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्या होगा, यहाँ पे भी एक ऐसा होगा ऐसे, बट इसका ये जो चार्ज होगा वो गायब हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो कि जुड़ा हुआ है, राइट। इसके अंदर यहाँ पे वापस आपका सिलिकॉन एटम, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, इसका चार्ज गायब हो गया, इसका चार्ज भी गायब, इसका तो चार्ज है ही नहीं, राइट, इसका भी चार्ज क्यों, क्योंकि ये भी चेन के फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पे नीचे भी ऐसे एक और ऐसे बनेगा, राइट, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे ऑक्सीजन, इसके अंदर सिलिकॉन एटम होगा, करेक्ट। थ्योरी बाद में रीड करेंगे, थ्योरी बहुत इजी, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो थ्योरी इजी लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज, इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली कितने चेन्स कनेक्टेड हो गए, दो चेन्स कनेक्टेड हो गए। अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज देखना, यहाँ पे दो टाइप के यूनिट्स दिखेंगे आपको, ध्यान से सुना, दो टाइप के यूनिट्स। इस यूनिट की बात करो, इसके सिर्फ दो ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, कौन सा वाला, एक तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड है
और एक ये वाला ऑक्सीजन शेड है। इस वाले की बात करो, इसके भी सर दो ही ऑक्सीजन शेड है, करेक्ट, इसके भी दो ही ऑक्सीजन शेड है। इस वाले की बात करो, ये एक शेड है, ये दूसरा शेड है, ये शेड कहाँ है, ये शेड है साथ में किसी के साथ, ये वाला भी दो के साथ ही शेड है, एक ये वाला इसका बराबर है। बट अगर आप इन लोगों की बात करें, इसकी बात करो, ठीक है, तो इसके एक दो तो शेड थे, ये तीसरा भी शेड हो गया। देखो सो दो टाइप के यूनिट्स होंगे, एक ये दूसरा भी शेड है और ये तीसरा वाला भी शेड है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने टाइप के यूनिट्स हो जाएंगे, दो टाइप के यूनिट्स हो जाएंगे। तो ध्यान देना, दिस कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग टू सिंगल चेन सिलिकेट्स बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम। ये देखो दो सिंगल चेन सिलिकेट्स थे, उनके एक एक ऑक्सीजन एटम को आपने शेयर करके चेन बना दिया, ठीक है। दूसरी बात, इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, दो टाइप के यूनिट्स हैं, मैं वापस बता देता हूँ। एक टाइप के यूनिट जिसमें दो ऑक्सीजन शेयर है और एक टाइप का यूनिट जिसमें तीन ऑक्सीजन शेयर है। ये देखो, टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग, टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग। ये देखो ये टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग है, और ये कितना है, थ्री कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग, एक दो तीन। सो थ्री कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग, दोनों का परसेंटेज 50-50% होगा। तो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो इसने दो ऑक्सीजन शेयर किए, इसने तीन शेयर किए, तो बेसिकली अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना हो गया 50-50 का, तो 2.5 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट होगा। तो जनरली 2.5 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर पर टेट्राहेड्रल यूनिट, 2.5। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डबल चेन सिलिकेट्स में पर टेट्राहेड्रल यूनिट कितने ऑक्सीजन एटम होता है, इट इज 2.5, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बच्चों में वापस बोल देता हूँ, ये याद ही रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद ही रखना है। इट इज Si4O11 एन, यहाँ पे 6N माइनस 6N, कॉमनली दे आर नोन एज एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके, तो इट इज ट्रेमोलाइट। ट्रेमोलाइट इसका फॉर्मूला है Ca2Mg5 Si4O11 ट्वाइस OH ट्वाइस। तो ये है आपका कौन सा, डबल चेन सिलिकेट्स। तो डबल चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट्स में हमारे पास में दो थे, कौन से, सिंगल चेन था और डबल चेन था। फर्स्ट वाले का एग्जांपल स्पोडुमिन था, इसका नाम है ट्रेमोलाइट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया चेन सिलिकेट्स का कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D सिलिकेट्स, ठीक है, उसके बाद में 3D सिलिकेट्स। तो हमारा सिलिकेट्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी 2D सिलिकेट जो है मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट इरेज करूंगा। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। नाउ द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज सेकेंड लास्ट वन, 2D शीट सिलिकेट्स। 2D शीट मतलब टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स, ये टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट के फॉर्म में होगा। अभी इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम अपना कंटिन्यू है ही है, ठीक है ना। अगर इसी को आप कंटिन्यू करते जाओ, इसी को कंटिन्यू करते जाओ, इसको भी ऊपर ऐसे और कंटिन्यू करो, जैसे यहाँ पे चेन है, इसी को पॉइंट ज्वाइन कर दो, तो मतलब ये शेड वाला पार्ट हो गया, ये भी शेड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला शेड वाला पार्ट हो गया, नीचे भी ये वाला शेड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन एटम भी अभी किस में जा रहा है, शेयर में जा रहा है। तो इसके अंदर टोटल कितने कॉर्नर वाले ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे बच्चों। तो ये वाला पार्ट जो है वो भी किसी के साथ ऐसे शेयर होगा, करेक्ट। अभी इसके ऊपर तो बना नहीं पाएंगे हम लोग, बट यहाँ पे ड्रॉ करके मैं ऐसे समझा देता हूँ कि ये भी किसी ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये वाला जो है, ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा बच्चों। तो इसका ये जो चार्ज है, माइनस वाला चार्ज, वो भी हट जाएगा। तो ये माइनस वाला चार्ज हट गया, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन है, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बॉन्ड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका चार्ज हट गया, इनके ऊपर तो पहले से चार्ज था ही नहीं, बिकॉज ये तो चेन के फॉर्म में था ही। हाँ, नो डाउट, ये वाला जितने भी ऑक्सीजन होंगे, सिलिकॉन जिसके ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट, उन सब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये देखो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा इसको और एक्सटेंड करके समझाना है, ध्यान देना, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें, यहां पे भी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, राइट। आप लोग देख सकते हो मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी पता है इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है। जितने भी ये वाले ऑक्सीजन है जिसमें सिलिकॉन भी दिख रहा है, वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, उन सब के ऊपर चार्ज होगा। ये वाला भी चार्ज गया क्योंकि ये शेयरिंग में चला गया, तो ये वाला चार्ज क्यों गया पता चला, क्योंकि वो शेयरिंग में चला गया। यहाँ पे भी ऐसे बॉन्ड है। तो अभी आप बताइए, यहाँ पे बॉन्ड देखिएगा, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है ही, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, अभी
2D शीट बन रहा है। शीट क्यों बोलेंगे पता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शीट के फॉर्म में, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ऐसा टेट्राहेड्रल के शेप में बाहर आएगा, बाकी नीचे पूरा एकदम प्लेनर रहेगा, दैट इज शीट लाइक। तो अगर ये सेम रिपीट हो रहा है बार 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 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, वापस सेम ऐसे ही चेन आएगा, ऐसा ये ऑक्सीजन जॉइंट है करेक्ट। यहाँ पे ये सिलिकॉन वाला ऑक्सीजन मैं बाद में लिखता हूँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, फिर ये वाला वापस इसके साथ जॉइन हो गया और ये कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट्स टेल मी, ये जितने भी ऑक्सीजन है इन सब जगह पे आपको एक एक साथ में सिलिकॉन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी बताओ इन सब के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हो गए करेक्ट। अभी बताओ यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया ऐसे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे गलती से भी इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस मत डालना, इन ऑक्सीजन के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऐसे कंटिन्यूअसली कनेक्टेड फॉर्म में, तो ये आपका 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D शीट सिलिकेट। नाउ अगर हम लोग रीड करते हैं थ्योरी पार्ट, देखो मैं थ्योरी पार्ट क्यों लिख के रख रहा हूँ, ताकि आपका ये जो डायग्राम में मेरा टाइम जा रहा है वो यहाँ पे कवर हो सके, ठीक है ना। इन दीज सिलिकेट्स 3 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रॉन। अभी अगर हम लोग कोई भी टेट्राहेड्रॉन पकड़ ले, चलो कोई भी रैंडमली उठा लेते, चलो ये वाला ले लिया, इसके कितने ऑक्सीजन शेड है, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, यू टेक एनी वन, चल यू टेक दिस वन नाउ, अभी आप इसके बारे में बताओ। तो बेटा ये भी तीन है, देखो ना, 1, 2, 3, क्योंकि ये आगे कनेक्टेड ऐसे और नीचे भी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना, जितना बोर्ड में आपको मोबाइल में दिख रहा है उतना आगे भी ऐसे कनेक्टेड है। अगर ये ऑक्सीजन इस कलर की बात करो तो ये वाला शेड दिख रहा है, हाँ ये वाला भी शेड दिख रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये वाला तो शेड नहीं, ये बोर्ड के नीचे भी कंटिन्यूअसली शीट ही है बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कितने है, तीन ही है। तो यहाँ पे पर टेट्राहेड्रॉन कितने ऑक्सीजन आइटम आएंगे, तीन आएंगे। सो इन दीज सिलिकेट्स 3 ऑक्सीजन आइटम, 3 ऑक्सीजन आइटम्स पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें जिसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको याद ही रखना है, ये प्रैक्टिस से याद होने वाला है, एक बार पढ़ के याद होने वाला नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो टैल्क है और दूसरा एग्जांपल केओलिन है, देख लो दोनों में Si2O5 है, एक में 2 है और एक में 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है और यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, तो ये आपको याद रखना है। और ये स्ट्रक्चर्स बच्चों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात करें, एंट्रेंस की बात करें, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स तो आपको पूछेंगे नहीं, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, बट आपको ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि ये जो कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं इसके साथ में, इस वजह से बता पा रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग वन टाइम आपके नोट्स में अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है ना। मैं जब भी बोर्ड पे ऑफलाइन लेक्चर में सिखाता हूँ, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, नो डाउट, बट आपको भी आपके नोटबुक में अच्छे से बनाना, वन टाइम बनाना है, वापस इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 2D शीट सिलिकेट, अभी हम लोग 3D सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका फोटो ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइप ऑफ सिलिकेट्स आर 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स में जो होता है SiO4 4- का हर एक ऑक्सीजन जो एटम होगा वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूं Si, यहाँ पे O, ये 4 O- माइनस थे, अभी किसी के ऊपर भी माइनस नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वो जॉइंट हो रहा है, हर ऑक्सीजन एटम किसी के साथ, मतलब नेक्स्ट वाले के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्टरनेट ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन दिखेगा आपको ऐसे। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें कंटिन्यूअसली होगा बॉन्ड, and it is very very stable, ठीक है। So यहाँ पे आपको भले 2D शीट जैसे दिख रहा है, बट वो 3D में होगा, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन ने कितने 4 बॉन्ड बनाए, और चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इट इज टेट्राहेड्रल। तो ये 3 डायमेंशनल होगा बच्चों, 2 डायमेंशनल में नहीं होगा, ठीक है। So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 8 मेंबर्ड रिंग्स बन रहा है, 8 मेंबर्ड रिंग्स। अगर 8 मेंबर रिंग की बात करेंगे, हर सिलिकॉन जो है वो हर एक में sp3 था, इधर भी sp3 है, और ये जो रिंग है 8 मेंबर, उसमें 4 सिलिकॉन एटम है,
और चार क्या है ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना, कोई सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं है। तो थ्योरी रीड करते हैं, इन दीज सिलिकेट्स ऑल फोर ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज SiO2 एंड ऊपर 2 माइनस n, ऑल द फोर ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। इसके बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट, जो मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री में सिखा चुका हूँ, कम से कम 40 मिनट्स का अपना लेक्चर था जियोलाइट्स के ऊपर, अल्ट्रामरीन एग्जांपल याद रखना एंड फेल्डस्पार, ये तीन केमिकल कंपाउंड जो है वो 3D सिलिकेट्स के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये वाला आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग 2D सिलिकेट्स बात करें, 3D सिलिकेट्स आर मच मोर सिंपल टू ड्रॉ एंड ईजी है। सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलिकेट्स का कंसेप्ट। अभी मैं एक दो क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, और फिर अपन ये चैप्टर पूरा मतलब ग्रुप नंबर 14 पूरा वाइंड अप करते हैं। तो एक बार फोटो ले लो फिर मैं आगे का बात बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली में अपना ये ग्रुप नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है, बट थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों रिगार्डिंग CO2 एंड SiO2, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि CO2 जो है वो तो गैस है जबकि SiO2 जो है वो सॉलिड है, इसके ऊपर डिस्कशन पूछते हैं, और इसमें इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो NOCB का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम लोग बात करें CO2 की, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, बराबर है। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज अ पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन से टाइप का पाई बॉन्ड है, 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज 2p π 2p π, करेक्ट ना। और 2p π 2p π जो होता है इट इज स्टेबल, क्या होता है वो स्टेबल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं SiO2 की, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि SiO2 का ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। कभी अगर आप ये बनाओगे जैसे हम लोग बोलेंगे सर जैसे CO2 का होता है वैसे इसका भी हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, ये तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल CO2 का मिल जाएगा, बट SiO2 आपको सिंगल मॉलिक्यूल में कभी नहीं मिलेगा। वो किस फॉर्म में होता है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो अभी जस्ट मैंने बताया था, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें SiO SiO SiO, 8 मेंबर रिंग के फॉर्म में होता है, इस वजह से मैंने सोचा था कि लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो अभी आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ये साइड में, जो मैंने इसके प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर बनाया था वही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन से बनता नहीं है, तो दिस इज sp hybridized है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज हो जाएगा। जबकि ये सिलिकॉन की बात करूं तो बच्चों इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, सो दिस sp3 hybridized। तो स्टूडेंट दैट इज द ओनली डिफरेंस, बिकॉज ये बहुत बड़ा जायंट मॉलिक्यूल होगा, तो डेफिनेटली बच्चों इसका मास बहुत ही ज्यादा होगा, और इस वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मतलब एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंपाउंड हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत बार यूज किया है, SiO2 को एज अ फ्लक्स के तौर पर यूज किया हमने, SiO2 को एज अ फ्लक्स के तौर पर हमने यूज किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। उसके बाद में हमने जैसे आज सिलिकेट्स पढ़े बच्चों, सिलिकेट्स के अंदर एक और सिलिकेट होता है, मैंने जानबूझ के उसको इसके साथ में कवर नहीं कराया। सिलिकेट्स में जैसे हमने ऑर्थो सिलिकेट पढ़ा, पायरो सिलिकेट पढ़ा, वैसे बेटा मेटा सिलिकेट्स भी होता है, बट मैं इसको अलग से सिखा रहा हूँ बिकॉज उसका इसके साथ कनेक्शन नहीं था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है Na2SiO3। जैसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है जैसे, वैसे सोडियम ये क्या है, मेटा सिलिकेट है। इसको हम लोग वाटर ग्लास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास, बिकॉज जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन विद Na2CO3, Na2CO3 से इसको प्रिपेयर किया जाता है SiO2 से, तो ये जो मास मिलता है वो सिरपी मास होता है, सिरपी मतलब लिक्विड मास होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास, ठीक है, तो वाटर ग्लास भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म भी हो सकते हैं मेटा सिलिकेट के, जैसे Na2SiO3.SiO2 हो सकता है, या फिर Na2SiO3.3SiO2, इसके वेरिएशंस हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे वहां पे हमने पढ़े। तो स्टूडेंट दीज आर ऑल्सो नोन एज मेटा सिलिकेट्स। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। 6 लेक्चर में हमने ग्रुप नंबर 14 पूरा कवर कर लिया है, सो योर कार्बन फैमिली इज कंप्लीटेड नाउ स्टूडेंट्स। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज बता दी है,
अगर आप नोट्स अच्छे से मेंटेन करते हो, आप सोचते हो कि हर लेक्चर में राम सर नोट्स 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 बोलते रहेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे पता है जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे चीजें तब तक आपको चीजें याद नहीं होगी, भले आप कितना भी अच्छा लग रहा कि अरे सर ने जो सिखाया बहुत अच्छे से समझा, बट आपको एक बात बोल दूँ, ये ही एक वीक के बाद आप वापस ट्राई करना, आपको वैसे ही लगेगा जैसे आपको फर्स्ट डे पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इट इज माई एडवाइस, एंड हमको एक्सपीरियंस पता है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं फ्यूचर में, जब वो लोग लिखते नहीं है तो उनको लगता है कि लिखने का काम उनको बहुत बड़ा बर्डन लगता है। बट आप याद करो बच्चों, स्कूल सेक्शन में जब आप चीजें लिखते थे आपको बहुत सारी चीजें जल्दी से याद रहते, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको भले टीचर के प्रेशर की वजह से लिखना पड़ता था, लेकिन लिखना पड़ता था ताकि उसे आपको चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पे भी कॉलेज सेक्शन में भी याद रखना कि ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, हर एक चीज लिखना है, तो ही आपको याद अच्छे से रहेगा। अभी यहाँ पे बच्चे कोई अगर पूछे कि सर यहाँ पे टू पी पाई जो है वो स्टेबल है, यहाँ पे क्यों नहीं ये बन सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो इसका रीजन है बच्चों, सिलिकॉन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा है समझो, तो ये पाई बॉन्ड जो बना है वो 3p ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन है एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ किसका है, ऑक्सीजन है। सो ये 3p पाई 2p पाई है, और दिस इज हाईली व्हाट, दिस इज लेस स्टेबल, और अगर ये लेस स्टेबल है तो ये कंपाउंड बेटा ये वाला बॉन्ड को नहीं बनाएगा। और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे भी हम लोग पी ब्लॉक में बहुत बार यूज करेंगे, एनओसीबी में तो मैं बहुत बार यूज करवा चुका हूँ, बट पी ब्लॉक में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। जैसे अगला वाला जो ग्रुप है उसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉसिबल है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉसिबल है, बट पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं पॉसिबल है, जस्ट नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस वो वाला ऐसे बॉन्ड्स नहीं बनाता है, उसका रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर एंटायर ग्रुप नंबर 14 फ्रॉम माई साइड, दिस इज बेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 14 फ्रॉम माई साइड। सो टोटल अगर अभी तक हम लोग देखें तो हमारे 13 लेक्चर्स हो गए, 13 लेक्चर्स कैसे, प्रीवियस ग्रुप नंबर 13 के 7 लेक्चर्स और इसके 6 लेक्चर्स, तो 13 लेक्चर्स में हमने ग्रुप नंबर 14 और 13 कंप्लीट कर लिया। अभी 15 16 17 18, 15 थोड़ा सा बड़ा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में 15 लेके जाने वाला हूँ, ऑक्साइड्स हैं सब सब, मतलब जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं वो सब भी कवर करेंगे, एक एक चीज हम लोग बेटा, अमोनिया का ऑस्वाल्ड प्रोसेस से प्रिपरेशन है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सो ये पी ब्लॉक के जो नोट्स होंगे बच्चों ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर आप कहीं पढ़ते भी हो तो भी बेटा आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा ही होने वाला है, बिकॉज मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी नंबर्ड एज लेक्चर नंबर 1, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन फैमिली, नाइकोजेंस बोल सकते हैं उनको, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।